हमने किससे धोया था हाथ? तो पानी से क्या कीटाणु मरते हैं? वी आर इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटीज वाराणसी द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया. आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहां से आए हैं आपके बीच में, क्या करने वाले हैं यहां पे, मन में कुछ सवाल हैं आप लोगों के? This is not a regular academic class, but a critical lesson in sanitation. तो क्या खुले में शौच करने जाना चाहिए? अगर हम लोग खुले में शौच करने जाएंगे तो सम्मान हमारा बढ़ेगा कि कम होगा? The students of the primary school in Kaur are being taken through ways they can improve their hygiene conditions and safeguard themselves from disease. Their teacher, part of the Swachh India team. सीखा कि सर जी खुले मैदान में सर जी शौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर जी तमाम सारे बीमारियां जैसे हैजा सर जी, टाइफाइड सर जी, पीलिया आदि सारी बीमारियां होती है. तो बॉल तो जाता है ना नाली मट्टी में, लैटरिंग में जाता है ना, तो वहीं से बॉल मैं आपका लेके आ गया हूँ. बॉल एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्वच्छ एक्सप्रेस हैज बीन टू इवॉल्व अ सैनिटेशन सिलेबस दैट स्कूल्स कैन यूज इन एन इजी, इन्फॉर्मेटिव एंड प्लेफुल मैनर. हियर दैट इन्वॉल्व्स अ बॉल एंड अ हैंडमेड टैप्स. The exercise simple, a ball, a handmade tap, and of course, a lot of fun. The ball had glycerine and sparkles. The challenge was to wash it off. अपना हाथ दिखाओ सब लोगों को ऐसे. क्या लगा निधि के हाथ में? और नीतू के हाथ में भी क्या लग गया? कीचड़. हाँ. The students realized water wasn't enough, and so the importance of soap. इन्होंने तो ऐसे-ऐसे करा. आ जाओ. जो सिखाया गया स्वास्थ्य के बारे में, हम लोग जाकर घर पे मम्मी पापा और दादा दादी से भी ये सब सिखाएंगे. ओ, तीन, the tougher issue facing the students in the school though is the actual absence of infrastructure. Like most schools, the Swachh Express has been through. The facts on the ground remain the same. ये देखो क्या लगा अभी इनके हाथ में, दिखाओ इनको ये क्या लगा हुआ इनके हाथ में. ये This school has 288 students. 140 of them are girls who say the toilets that do exist in their school are unusable. But the students say their sanitation lessons have given them a new vigor to demand more toilets and cleaner ones. Also, to fight and work for a more Swachh India.